हमारे सामने दुकानदार हैं, राजेश जी हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, कल से दुकान इनकी खुली हुई है, चहलकदमी मचाते हुए देखिए लगातार ग्राहक आते हैं और गुलाल की बिक्री हो रही है। जरा सा फोन आ गया है और समझौता कर रहे हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। अभी भी सामान सारी खत्म हो गई, भाई साहब इधर दिखाइए। लगभग पूरा माल लगा हुआ था और सारा माल बिक गया है, खत्म हो रहा है। जरा उसके बारे में भी दिखा दीजिए कि ये जो होली का त्यौहार मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है। रंग गुलाल के लिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए भाई साहब होली का त्यौहार है और भाई साहब कह रहे हैं, चाचा जी हम आए हैं, बाबा जी हैं और बता रहे हैं रंग गुलाल के लिए मनाया जाता है होली का त्यौहार। आप बाबा हैं, समझ सकते हैं कि होली का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। बस उन लोगों का उठना, होली डालना, उसके बाद रंग खेल के समाप्ति कर देना। पीछे कुछ रखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्या है भाई साहब? ये क्या हुक्का है? हाँ तो थोड़ा सा उठाइए, इसको खा लीजिए जरा। क्या है इसमें, क्या डाला है? इसको आप ऊपर क्या होता है, ये क्या कोयला लगाया है, क्या लगाया है इसमें? आग है, आग। आग अच्छा, और नीचे क्या भरा है? पानी। जरा पी के दिखा दीजिए एक बार, ये हुक्का है, ये पानी भरा हुआ है, इसको पीने से इनका मानना है। ये देखिए गुड़गुड़ाहट की जो आवाज आ रही है, बस आप थोड़ा जूम करिए, इससे गैस गैस का प्रॉब्लम, पेट की जो समस्या होती है, कहने का मतलब ये है हुक्का पीने से जो पेट की समस्याएं होती है वो खत्म होती है, गैस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये देसी इलाज है, देखिए चालू हो गया हुक्का भैया। ये बहुत ही पुराना, से करीब 50 साल पहले 60 साल पहले यूज किया जाता था, अब किसी किसी के यहाँ हुक्का देखने को मिलता है। अच्छा इसके